देखो जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा यहाँ पे और मेरे को आगे प्रोग्राम था तो यहाँ ट्रैक्टर चलते देखे, मैं यहाँ आ गया जी। यहाँ देख के नजारा मेरे को मतलब ये दिखा कि यहाँ पे जो सेवा हो रही है। देखो जी, मैंने सुना था, देखा भी था पहले, जो हमारे सिख पंथ है, जो खालसा पंथ है, वो 2 करोड़ लोग हैं और हमारे डेली 8 करोड़ को भोजन करवा रहे हैं, लंगर लगा के सिखा रहे हैं, जो कुल 2 करोड़ है। सेवा भावना सीखनी है तो इस पंथ से सीखो जी। दूसरा, कोरोना हो, कुछ भी हो, कोई भी आपदा पड़ जाए, राष्ट्रीय आपदा, सबसे पहले खालसा पंथ वहां मिलता है। तीसरा, आज मैंने एग्जाम्पल देखा जी, यहाँ पे क्या है जी, बंदा टूट गया जी, हरियाणा के अंदर है जी ये, यहाँ पे ज्यादातर पंजाब के लोग हैं जी जो यहाँ काम कर रहे हैं, और किसी के 2 एकड़ जमीन है, किसी की 3 एकड़ जमीन है, छोटे छोटे किसान भाई है, और उनके अगर वो निकालते, इसको ठीक करते, मिट्टी उठाते, उनको 4-4 साल लग जाते। और ये खालसा पंथ आ गए यहाँ पे, जैसे पगड़ी समाज जगता है, किसान संघर्ष समिति है, बहुत से लोग आ गए यहाँ पे, समाज से भी बहुत लोग आए यहाँ पे, और सब मिलके यहाँ पे अब इनका खेत है, वो बिल्कुल धान लगा के जाएंगे। ये लोग ये कह रहे हैं हम धान लगा के जाएंगे। अब एक बार बताओ, इससे बड़ी क्या सेवा होगी, जो मतलब के गरीब आदमी का खेत, उस दूसरी सेवा को तो कर ही रहे, ये गरीब आदमी की भी मदद कर रहा है वो पंथ। अब हरियाणा के, जो हमारे हरियाणा के अंदर पड़ता है, मैं हरियाणा के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, यहाँ आके देखे, सेवा भावना देखे, आके चाहे वो कुछ मदद ना करे, लेकिन यहाँ के सीखे, देखे कैसे सेवा होती है, कैसे की जाती है। सरकार मदद नहीं कर रही है, सरकार, मैंने ज्यादातर से पूछा, कोई मदद नहीं कर रही सरकार तो एसीओ में बैठी है और कुछ नहीं कर रही। ये सब समाज सेवी संगठन लगे हुए हैं जी यहाँ पे। 4 साल नहीं उठा सकते, 93 में जब बांध टूटा था तो इन लोगों से 7-8 साल में खेत समारे नहीं गए थे, मिट्टी नहीं उठी थी। इसलिए अब की बार अपील की गई थी, और पंजाब के जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो कि हर किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय आपदा हुए, फ्लड हुए, कोरोना हुए, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, अपील की गई थी भी ये गरीब किसान है, अगर इनकी मिट्टी 5-4 साल नहीं उठी तो ये बर्बाद हो जाएंगे। इन लोगों ने आके खुद ही जमा संभाला है अपना, और खुद ही मिट्टी उठाने के लिए अपील किए लोगों से, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर आज जो है 11 JCB चल रही है, सैकड़ों ट्रैक्टर चल रहे हैं, और सारा लंगर व्यवस्था से लेकर के सब कुछ पंजाब के जो समाज सेवी संगठन है वही सारा काम कर रहे हैं। तो क्या सरकार इस और मदद कर रही है हरियाणा सरकार? देखो, जो मिट्टी उठाने का काम है उसमें अभी तक सिर्फ समाज सेवक लोग हैं, उनका ही सहयोग है, बाकी जो बांध को पाटने का काम है, बांध को पूरा काम करने का है, वो पंजाब सरकार अपने लेवल पे करे। हम अपने गांव की तरफ से जो भी गरीब किसानों की यहाँ खेत संवारने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो तेल दे रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर लगा रहे हैं, चाहे वो फिजिकल कसी से काम कर रहे हैं, या सहयोग के लिए सिर्फ यहाँ आया है, यहाँ आने वाले हर आदमी का, सहयोग करने वाले हर आदमी का 50 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक जो दे रहा है, हमारे लिए सारे आदरणीय हैं। हम 50 रुपये वाले की भी इतनी कदर करते हैं जितनी 50,000 वाले की, और हम यहाँ जो सहयोग कर रहे हैं उनका गांव की तरफ से पूरे गांव की जो कमेटी है पूरा सम्मान करती है, पूरा उनका धन्यवाद करती है, और वास्तव में समझो तो ये सहयोग करने वाले लोग जो आए हैं ना, हमारा गाँव और ये किसान और पूरा समाज उनका ऋणी है, कि ये गरीब किसान 5-7 साल तो खेती नहीं कर सकते थे, इनकी खेतों में बिजाई नहीं हो सकती, और हम इन पंजाब के साथियों का, पंजाब वैसे भी हमारा बड़ा भाई है, और हम हमेशा से ही इनके ब्लड में ही मतलब सहयोग करने की एक जज्बा है, और हम इनके ना इतना मतलब एक धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि दिल से, तन से, मन से, धन से, और ये भी कहेंगे भी हमने जो बातें हैं सहयोग करने की पंजाब से ही सीखी। यहाँ पे आए हैं, कहाँ से आप आए हैं और क्या मदद कर रहे हैं? असीं फतेहगढ़ साहब से आए हैं, साड़ी कमेटी है उत्थे, पहला असीं फतेहगढ़ साहब भी साढ़े बहुत नुकसान होया, साड़ियाँ कोठियां तक पानी उत्थे भी असीं हुण तक करते रहे, हुण अगों हुण अज उत्थे कमेटी नूं लाया, हुण पेमेंट इकट्ठी कर रही है सारे, जिन्ने जिन्ने पैसे इकट्ठे हो गए, असीं इत्थे मोनकाले ढवाणा मोनक रोड ते उत्थे भी देख के आए हैं, उधरों पटियाले तो देवीगढ़ वाले, उन्हां नुकसान जिथे जिथे किसानां दा आया असीं मदद करांगे जी।